मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुयोजित विकास को लेकर नई नई योजनाएं बनाने के उपरांत शहर के विकास पर काम किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और जो लोग मुरादाबाद के अच्छे मुस्तकबिल को लेकर प्राधिकरण के सहयोग में काम कर रहे हैं, उनके सहयोग से विकास का खाका भी तैयार किया जा रहा है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा एक बार फिर से प्रवर्तन टीम में फेरबदल किया गया है। प्राधिकरण प्रवर्तन टीम की कमान मेघा यादव को सौंपी गई है, जो प्रवर्तन अधिकारी के रूप में बिल्कुल लेडी सिंघम के रूप में काम करती दिखाई दे रही है। उनके द्वारा अवैध निर्माण को तेजी से ध्वस्त कराया जा रहा है। सोमवार को मुरादाबाद में दो अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई, जिसको लेकर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सबसे पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम थाना मझौला के गांव मनोहरपुर पहुंची, जहां तीन अलग अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। आपको बताते चले, मुरादाबाद में इन दिनों बुलडोजर का खौफ हर तरफ दिखाई दे रहा है। जहां नगर निगम अपना काम कर रहा है, तो वहीं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही कार्यवाही से कॉलोनाइजर के होश उड़े हुए हैं। प्राधिकरण क्षेत्र में तेजी के साथ अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है। विदित हो कि थाना मझौला के गांव मनोहरपुर में मुरादाबाद दिल्ली रोड से रतनपुर को जाने वाले मार्ग पर एडीएम द्वारा दो आवासीय कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है और इन कॉलोनियों को और बुलंदी देने पर प्राधिकरण द्वारा दिल्ली रोड से लेकर रतनपुर रोड के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। वहीं इस मुख्य मार्ग के आसपास नक्शा पास करने की अपील भी प्राधिकरण द्वारा की जा रही है और जो लोग प्राधिकरण के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। सोमवार को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण परिवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, तो वहीं चेतावनी भी दी गई कि मानचित्र की स्वीकृति के बिना अगर कोई निर्माण करता है तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मनोहरपुर में तीन अलग अलग स्थान पर कार्रवाई करने के उपरांत प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम थाना पागबड़ा क्षेत्र के तीर्थकर महावीर मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंची, जहां पर अवैध बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर दिया गया। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण सचिव अंजू लता द्वारा बताया गया कि लगातार जनमानस को आगाह किया जा रहा है कि लोगों से अपील भी की जा रही है। गांव-गांव जाकर हमारे प्रवर्तन टीम के कर्मचारी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मानचित्र की स्वीकृति के बिना भवन निर्माण ना करें, लेकिन लगातार मनमानी कर रहे हैं और जो लोग मनमानी कर रहे हैं ऐसे लोगों पर लगाम करने का काम किया जा रहा है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा अपील की गई कि कोई भी काम ऐसा ना करे जिससे उनको नुकसान हो, इसलिए जमीन खरीदने से पहले जमीन के कागज अवश्य चेक कर ले, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से कॉलोनाइजर जिस तरह से भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे हैं उससे बचा जा सके। प्लॉट खरीदने से पहले भूमि के प्रपत्र की जांच कर ले और मकान बनाने से पहले मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत आवश्यक करा ले, ताकि किसी भी समस्या से बचा जा सके। आज की इस कार्यवाही में मुख्य रूप से प्रवर्तन टीम अधिकारी मेघा यादव, अवर अभियंता तेजवीर सिंह, अवर अभियंता गिरीश पांडे, अवर अभियंता आरपी यादव सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे।